डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 यूनिट 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। यूनिट का नेम है यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस हम पहले देख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ सोडियम, जो सोडियम मेटल है उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इसका यूज है यहाँ पर, अगर सोडियम को पोटेशियम के साथ मिक्स कर दे तो क्या बनता है हमारा, सोडियम पोटेशियम का एलॉय बनता है। एलॉय मींस क्या होता है, मिक्स मेटल यानी मिक्स धातु। इसका जो यूज करते हैं हम वो पाइरोमीटर को बनाने में करते हैं। अब पाइरोमीटर क्या है, पाइरोमीटर एक टाइप का मीटर है जिसका यूज हम हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सोडियम के साथ जब हम लेड को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम और लेड का एक मिक्स एलॉय बन जाएगा। और इसका यूज हम करते हैं एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के फॉर्म में इन पेट्रोल। पेट्रोल में एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस मिलाया जाता है जिससे कि जो नॉकिंग की प्रोसेस है इंजन के अंदर वो नहीं होती गाड़ी में। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, सोडियम के साथ में अगर हम मरकरी पेट्रोल को मिक्स कर देते तो क्या बनता है हमारा, सोडियम अमलगम बनता है। क्या बनता है, सोडियम अमलगम। और ये जो सोडियम अमलगम है इसका यूज किया जाता है लेकिन एक रिड्यूसिंग एसिड के फॉर्म में, यानी कि रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है वहां पर हम रिड्यूसिंग एसिड के फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहां पर कहा है, इन मेकिंग सोडियम वेपर लैम्प, सोडियम के कुछ वेपर लैम्प्स बनाए जाते हैं लाइटिंग के लिए, तो वो लैम्प को बनाने में भी हम सोडियम मेटल का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट में कहा है यहाँ पर, लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आप रेडियोएक्टिव मटेरियल डाल के वहां पर हाई अमाउंट में एनर्जी को बनाते, जब हाई अमाउंट में एनर्जी बनती है तो टेम्परेचर भी काफी इंक्रीज होता है। अब अगर इसी टाइप से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वहां पर हमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें कूलेंट का यूज करना पड़ता है। और कूलेंट के फॉर्म में हम वहां पर सोडियम के लिक्विड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट में यहां पर बता रहे इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, यहां पर आएगा ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिलिकॉन एंड बोरोन। जो सिलिकॉन एंड बोरोन मेटल्स है इनको इनके ओरस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम यहाँ पर जो सोडियम मेटल है हमारी उसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर इसके सोडियम के यूजेस। टॉपिक है यहाँ पर हमारा यूजेस ऑफ पोटेशियम। अभी इससे पहले हमने सीखे थे सोडियम के यूजेस, अब हम सीखने वाले यहाँ पर यूजेस ऑफ पोटेशियम। जो पोटेशियम मेटल है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो इसके यहाँ पर फोर यूजेस दे रखे हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या है। फर्स्ट यूज है यहाँ पर, पोटेशियम साल्ट आर यूज एज अ फर्टिलाइजर। जो पोटेशियम साल्ट है इसका यूज हम एज अ फर्टिलाइजर करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के उर्वरक होते हैं, हिंदी में इनको उर्वरक बोलते हैं अपन, और खेतों में इनका एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो भी क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा। सेकेंड पॉइंट में कहा है अपन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर एब्जॉर्बिंग CO2 एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट सॉफ्ट आर यूज फॉर बाथिंग। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH। जो KOH है इसका यूज हम जो सॉफ्ट सॉप्स होती है यानी कि जो नहाने के साबुन होते हैं उसको बनाने में हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फिर जो हार्ड सॉप होती है यानी कि जो कपड़े धोने के सॉप है ना, उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, पोटेशियम साइनाइड, फॉर्मूला क्या है इसका, KCN होता है पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला। यानी कि पोटेशियम साइनाइड जो है इसका यूज हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड मेटल है जिसके हम डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं यानी गहना बनाते हैं, वो गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करने में पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, पोटेशियम साइनाइड का यूज करेंगे, किसमें, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में। यानी कि जो गोल्ड है उसको उसके ओरे से एक्सट्रैक्ट करने में यानी कि निकालने में। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एसिड इन केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने सोडियम में भी पढ़ा था
यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस में करते हैं, इसी टाइप से यहाँ पर आप पोटेशियम का भी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर हमारे सोडियम एंड पोटेशियम के यूजेस। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स अंडरस्टैंड हुए होंगे और आपके होमवर्क में ये दोनों ही टॉपिक्स दिए गए, तो आप होमवर्क आपकी रफ कॉपी में करें और ये टॉपिक को अच्छे से लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।